तो बच्चों अभी हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करने के पहले हमें देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एटम्स। ठीक है ना, दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर मिलते हैं किसी भी बॉन्ड के थ्रू तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ स्मॉलेस्ट एंटिटी विच कैन एग्जिस्ट इनडिपेंडेंटली। यानी कि नेचर में अगर हम जैसे सपोज कीजिए वाटर सैंपल के बारे में बात करें, तो वाटर के सैंपल में से हम एक सबसे छोटी एक एंटिटी निकालें जो कि इंडिपेंडेंटली उसमें है, तो वो H2O मॉलिक्यूल होगा, सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल वाटर के सैंपल में पड़े हुए होंगे। ठीक, तो एक और खासियत है कि मॉलिक्यूल जो है वो उसको केमिकली रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, कि जो भी स्पीसीज है उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एग्जिबिट करता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल की। ठीक है, मॉलिक्यूल में क्या पड़े होते हैं, एटम्स। ठीक है, अब एटम की खासियत यह है कि एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि अगर हम एटम की डेफिनेशन पर जाएं तो किसी भी मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन विल बी द एटम, बट द स्मॉलेस्ट एंटिटी विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बहुत सारे नेचर में हमारे आसपास जो है एग्जांपल होते हैं, ज़्यादातर एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में आसपास में पाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने मॉलिक्यूलर कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन, ओजोन, CH4, H2O, और इनके नीचे इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं, कि मॉलिक्यूलर मास होता है कि सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट। तो हमें करना क्या है कि जितने भी हमारे पास उस मॉलिक्यूल में एटम पड़े हुए हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, उन सब का सम कर देंगे। ठीक है, उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके पहले हमें उसका हर एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें मास नंबर पता होना चाहिए। जैसे मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ तो हाइड्रोजन का मास नंबर ये है 1। ऑक्सीजन के बारे में बात करूँ तो 8 और 16 जो है ये है मास नंबर। ठीक है, 7 और 14 ये इसका मास नंबर, 6 और 12 ये इसका मास नंबर। तो हम एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, कि एटॉमिक मास में हम इस एक जो मास नंबर है इसके साथ MU यूनिट लगा देते हैं। तो जैसे फॉर द एग्जांपल अगर मैं H2O के बारे में बात करता हूँ, तो H2O में 1 + 1 + 16 और यूनिट इन सब का किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, MU। तो वाटर का ये चीज़ क्या कहलाएगा, ये चीज़ कहलाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। यानी कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास ये होता है। ये एग्जांपल जेई में भी पूछा हुआ है कि व्हाट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये एक्चुअली मैंने जोड़ा तो कितना आया, 18 MU। अब MU को अगर ग्राम में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं हम, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, ये इसका आंसर होगा ग्राम में। अगर मुझे इसको kg में रिप्रेजेंट करना है तो 18 × 1.66 × 10⁻²⁷ kg जो है इसका एक मॉलिक्यूल का मास होगा, जो कि kg में रिप्रेजेंट करूं मैं तो बहुत ही छोटा कम दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम एटम और मॉलिक्यूल का मास गिनने के लिए हम MU यूनिट लाए हैं, जो कि बहुत छोटी यूनिट है। तो एक MU एक्चुअली किसके बराबर होता है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। अब यदि मुझसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब अगर 5 मॉलिक्यूल का मुझसे मास पूछ लिया, मैंने एक मॉलिक्यूल का मास तो निकाल ही लिया, कितना आया भाई, 18 MU। तो 5 मॉलिक्यूल हैं तो 5 × 18 करके मैं आंसर लिख दूंगा इसका 90 MU। अब अगर मैं फार्मूले पे जाऊं कि अगर मुझसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे निकालते हैं कि हमें सबसे पहले तो मास ऑफ सैंपल लेना पड़ेगा जो भी दिया हुआ है, और हमें इस चीज़ का सावधानी रखना पड़ेगा कि ये MU में ही होना चाहिए, और नीचे मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ, एक मॉलिक्यूल के मास को, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास का नाम देते हैं, और यूनिट कैंसिल करने के लिए ये भी किस में होना चाहिए, MU। अगर यहाँ नंबर ऑफ एटम पूछा है तो यहाँ एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास को जो है वो निकाल सकते हैं।